यातायात सप्ताह के समापन अवसर पर हेलमेट रैली का आयोजन किया गया, जिसे पुलिस कंट्रोल रूम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। हेलमेट रैली शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई माधव चौक पहुंची। रैली में पुलिस, JCI डायनेमिक की टीम और NSS के कैडेट शामिल थे। माधव चौक पर समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजू बाथम, जिला अध्यक्ष भाजपा, विशिष्ट अतिथि के तौर पर विपुल जैमिनी और KP परमार उपस्थित थे। कार्यक्रम में NSS के बच्चों द्वारा नुक्कड़ नाटक का कार्यक्रम रखा गया, जिसके माध्यम से उन्होंने आम जनता को यातायात के नियमों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में उन दो परिवारों को भी बुलाया गया था जिन्होंने अपने अपने परिवार के मुखिया को सड़क दुर्घटना में खो दिया है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। समापन हुआ है और रैली भी निकाली थी यातायात को लेकर, हेलमेट रैली। क्या कुछ सही प्रोग्राम था ये? सड़क सुरक्षा सप्ताह हमारा 11 तारीख से शुरू हुआ था और आज 17 तारीख को समाप्त हुआ है। तो ये प्रतिदिन हमने कार्रवाई की है, प्रथम दिन स्कूलों में जाके कार्रवाई की थी, दूसरे दिन हेलमेट जागरूक किया सिग्नल्स पे, फिर बस वालों को समझाइश दी, ऑटो वालों को समझाइश दी और शराब पी के भांचड़े वालों पर हमारे अभियान के तौर पर कार्रवाई की। आज ये हेलमेट रैली निकाल के लोगों को संदेश दिया गया है कि हेलमेट कितना जरूरी है भैया, की आईडी पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आईडी आने माता चौक पर रखा, जिसके आज के जिलाध्यक्ष हमारे राजू बाथम जी थे और हमारे मंडल अध्यक्ष थे विपुल जैनी जी और KP परमार जी, हमारे JCI डायनेमिक थी और हमारे NSS के बच्चों ने नुक्कड़ नाटक करके लोगों को जागरूक करने का काम किया। एक हेलमेट के लिए आप एक मैसेज दी थी। मैं हेलमेट को लेके इसी बताना चाह रहा हूँ कि आज हमने उन दो लोगों को बुलाया था, रोहित शर्मा जी और हमारे श्रीमती संजय शर्मा जी। उनके रोहित शर्मा जी के पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था 2 साल पहले जी। तो वो कारण बिना हेलमेट थी, उनका एक्सीडेंट हुआ था रेलवे क्रॉसिंग पे और श्रीमती संजय शर्मा जी के पति देव का एक्सीडेंट हुआ था आज से 6 महीने पहले, उनमें भी पाया गया था कि वो हेलमेट नहीं लगाए थे। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि हेलमेट का कितना महत्व है आपके जीवन में, कि वो आप जब भी चलते हैं कोई एक्सीडेंट होता है तो घटना घटित होती है तो उसमें सिर में चोट ना लगे, ये बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है। तो आज रैली के जरिए हेलमेट लेकर यही संदेश देना चाहा हम लोगों ने और समय समय पर हम अभियान चलाते भी हैं और आप लोगों के माध्यम से खासकर मैं CTV मीडिया का बाकी में हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग हमारी बातों को आम जनता तक पहुँचाते हैं और हमारी इस चीज़ से हमें बहुत मदद मिलती है और लोगों में जागरूकता ही बढ़ती है। और आज का ये कार्यक्रम आप लोग के सहयोग से और सभी हमारे जो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।